प्रोडक्ट अच्छा डिज़ाइन करना, क्वालिटी का डिज़ाइन करना, ठीक प्राइस पे करना, अपनी टारगेट ऑडियंस के हिसाब से करना, उसका प्रॉमिस भी ठीक से करना और उसको अवेलेबल करवा देना, ये मेरा कंपेटिटर भी कर सकता है। ऐसी स्थिति पे मुझे पहुंचना है जिस स्थिति में मेरा कंपेटिटर मेरे से मेरा कस्टमर छीन के ना ले जा सके, तभी तो कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा आपको, वरना क्या है। एक एक आदमी ने एक प्रोडक्ट के लिए 1 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट का खर्च किया, दूसरे ने कहा चलो मैं इसको ख़त्म करना 10 करोड़ करूँगा, ऑल ओवर कर दिया, ओवरनाइट कस्टमर विल ट्राई न्यू थिंग्स। इसीलिए बड़े क्वेश्चन आते हैं मुझे इस शो में कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो इसी बिजनेस में हैं, मैं उनसे कैसे कम्पीट कर पाऊँगा, उनके पास तो बड़ी मसल पावर्स हैं, बहुत पैसा है, आप नहीं टिक पाएंगे उनके सामने। देन वी गो टू द फॉलोइंग फर्दर स्टेप्स, व्हाट कैन बी द फिफ्थ स्टेप नाउ, व्हाट कम्स टू योर माइंड एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट। दो ही स्टेप और दूर हैं, जस्ट गेस व्हाट आर दोज टू नेक्स्ट स्टेप्स। Well, after the customer has used the product and you're talking that we want to retain the customer vis-a-vis our competitor. So we have to retain him. So how do you retain? Sir, by applying, using certain principles such as after-sale services and, you know, giving him something extra, some value, some bonuses, that will... So my competitor bhi kar lega, bhai. Anybody else? Sir, through continuous product evolvement, agar main ek product de raha hun, उसको नया बनाते रहूं, जैसे कोई भी लैपटॉप कंपनी हो जाए तो वो नया प्रोडक्ट आप बनाएंगे, वो तो मेरा जब मैंने पहले जो प्रोडक्ट बनाया है जब तक उसका मैं R&D का डेवलपमेंट का खर्चा नहीं निकाल लूँगा, अनफ क्वांटिटी बेच नहीं लूँगा, तब तक अगर मैं इनोवेट करता जाऊँगा, पैसा और खर्चा करता चला जाऊँगा, वायबल नहीं होगा। सर, यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कस्टमर, मतलब अब प्रोडक्ट दे दिया, प्रॉमिस कर दिया, अब आती है यूटिलिटी की, वैल्यू फॉर मनी, उसने जितना पैसा खर्च किया है उतनी यूटिलिटी उसने डिराइव की या नहीं की, की तो फिर वो रिटेन है। थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचिए सब लोग, योर यंग माइंड, जस्ट थिंक आउट ऑफ बॉक्स। सर, टेकिंग अ प्रॉपर फीडबैक फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम द कस्टमर्स, यू आर गेटिंग क्लोज, शी इज गेटिंग क्लोज टू माई व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। वंस यू हैव गिवन सेटिस्फैक्शन टू योर कस्टमर through the 3 things which you did, designing the product, and commitment, proper commitment, honest commitment, and then through making it available, you achieve customer satisfaction. Now, the 5th thing is give and take feedback. Take the customer's feedback and give him, the customer, also the feedback. बी ब्रेव, आपको बोल्ड होना पड़ेगा, बी ब्रेव टू इवन टेल योर कस्टमर अबाउट योर कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स, अंधेरे में मत रखिए उसको, उसको बताइए, एजुकेट करिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके और कंपीटिंग प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उनके सामने आपका प्रोडक्ट कैसे स्टैंड आउट करता है, उसको सिखाइए, उसको बताइए, एजुकेट कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, उससे आप थोड़ा बहुत ट्वीक करेंगे अपने प्रोडक्ट को, अपने एडवर्टीजमेंट को, अपने डिलीवरी मैकेनिज्म को, फीडबैक लेंगे तो कोई अगर वीकनेस होगी थोड़ी बहुत उसको टाइटन करेंगे और उसको आप एजुकेट करेंगे, उसको एम्पावर करेंगे, एम्पावरमेंट, ट्रांसफरिंग द एम्पावरमेंट टू योर कस्टमर। Now the customer feels कि यार ये प्रोडक्ट तो बड़ा अच्छा है, ये कंपनी भी बड़ी अच्छी है, इन्होंने मुझे जो प्रॉमिस किया वैसा प्रोडक्ट दिया, डिलीवरी किया, अब मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी है, मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट और ये अवेलेबल हैं, इनके मुकाबले में ये इनका जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा अच्छा है। एट दिस स्टेज योर कस्टमर टर्न्स and becomes your
advocate, your brand ambassador. Now he tells five other people ke bhaiya ye brand ka product hai na ye zyada acha hai tum agar dusra istemal kar rahe ho mujhe maine dekha tumhare ghar mein dusra pada tha ye acha nahi hai ye try karo. The moment he has become your advocate or your brand ambassador, usko koi competitor aapka chheen ke nahi le ja sakta. Kuch jami baat. That is where you will get the competitive advantage and customer satisfaction.